हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएच। आई एम स्नेहा सिंगाडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जी एलपीपी, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, बेसिकली हमने ग्राफिकल मेथड देखा था। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि बेसिकली किसी भी एलपीपी को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, एलिप्सॉइड मेथड या इंटीरियर पॉइंट मेथड। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हमारे ग्रेजुएशन में हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिकली लेकिन कॉम्पिटिटिव का जो सिलेबस होता है उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड को ही इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो एक सिंपल सा होता है कि लोएस्ट कैलकुलेशन में वो आ जाता है। सिंप्लेक्स मेथड, एलिप्सॉइड मेथड जो है काफ़ी थोड़े से लॉन्ग प्रोसेस के अंदर आते हैं, तो इनका जो है यूज़ काफ़ी कम होता है। फिर भी हम एक वीडियो लास्ट में करेंगे जहाँ पर हम इन मेथड्स को कर भी लेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। सो हमने ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने का इसको किया था, इसी के साथ हमने किसी भी एलपीपी के स्टैंडर्ड फॉर्म भी कर ली थी। सो अब हम करते हैं जी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है जी, तो हमारी एक्सट्रीम पॉइंट्स की फंडामेंटल थ्योरम होती है एलपीपी से रिगार्डिंग। तो ये थ्योरम क्या कहती है जी, देखिए सिंपल सा है, इसका जो स्टेटमेंट है वो मैंने ऑलरेडी आपके सामने लिख करके रखा है जी, दैट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, यानी एलपीपी का कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है देन इट अकर्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो वो क्या करेगा, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर जो है पाया जाएगा ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगॉन, एक कन्वेक्स पॉलीगॉन के, और वो कन्वेक्स पॉलीगॉन होगा क्या जी, इट विल बी द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सोल्यूशंस। यानी कि आप कोई भी एलपीपी को जब सॉल्व करते हैं, ठीक है जी, मान लीजिए आपने कोई भी एलपीपी को सॉल्व किया ग्राफिकल मेथड से और आपके पास कुछ इस टाइप का कोई रीजन आ गया, ठीक है जी, जो सभी कंस्ट्रेंट्स का कॉमन रीजन था। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा गलत बनाया। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस टाइप का एक पॉलीगन आ गया जी, ठीक है, और ये पॉलीगन हमारा ऑल फिजिबल जो हमारे रिजल्ट्स हैं, ऑल फिजिबल सॉल्यूशंस हैं उनका एक सेट है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो फिजिबल सॉल्यूशंस हैं यानी अगर सभी कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करेगा तो डेफिनेटली वो कन्वेक्स होगा ही होगा। ठीक है जी, तो अब इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, जैसे हमारे लिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, तो यही इन्हीं चार पॉइंट्स में से इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने इसके सारे ऑल कॉर्नर पॉइंट्स चेक करे थे और सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स को लेकर ही हम जो है सारे के सारे चार जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स थे उन्हीं को लेकर के हमने सॉल्यूशन हमारा चेक किया था। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन जो हमने चेक किया था वो हमारा सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स को लेकर के यूज़ किया था, यानी कि वो उन्हें हम कहते हैं जी एक्सट्रीम पॉइंट्स, यानी कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया था, जो हमारे बेसिक सा जो हमारा जेड था उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज जो कर रहा था फाइनली, ठीक है जी, तो वो हमारा यानी ऑप्टिमाइज ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो आया था वो बेसिकली हमारा एक्सट्रीम पॉइंट्स पे होगा। किसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पर होगा, जो कन्वेक्स पॉलीगन हमारे पास आएगा रिजल्ट, ठीक है जी, विच इज सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन। तो ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ये इसी का शेडेड रीजन होता है पूरा, ठीक है, तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, ठीक है जी, यानी कि इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे, एक्सटर्नल पॉइंट्स इनको हम बोल सकते हैं, तो वही हमारे क्या होंगे जी, वही हमारा उन्हीं में से हमारा कोई एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिलेगा। ठीक है जी, तो ये क्लियर है। इसी के साथ हम कुछ और स्टेटमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो क्या ये इसके साथ स्टेटमेंट है कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं हमारे, ठीक है जी, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे फाइनाइट होते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ एलपीपी आर फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट होंगे ही होंगे, इनफाइनाइट नहीं होते हैं, यानी कि नॉट डिफाइंड नहीं होते, ठीक है। सेकेंड हमारा पॉइंट क्या है कि जो हमारा फिजिबल रीजन होता है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, जो फिजिबल रीजन होता है हमारा वो डेफिनेटली क्या होगा जी, वो कन्वेक्स ही होगा, ठीक है जी, यानी कि फिजिबल रीजन जो होगा वो हमारा कैसा होगा जी, कन्वेक्स ही होता है। ठीक है, सो ये चीज़ हमने कर ली है। इसी के साथ हम कुछ और चीज़ें देखते हैं जी, जैसे हमारी जो एलपीपी होती है, हमारी जो एलपीपी होती है बेसिकली इसमें क्या होगा, या तो इसका कोई ना कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, मीन्स ये इट विल हैव ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है, विल हैव ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी कि इसका कुछ ना कुछ ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, या फिर क्या होगा, डोंट हैव ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि इसका कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है जी, दो केस हो सकते हैं, और अगर उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है तो वो बेसिकली दो टाइप्स का हो सकता है, ठीक है, या तो यूनिक हो सकता है। यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, जब सिर्फ एक ही पॉइंट पर हमारे पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमें मिल रही है तो वो उसका यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक सिंगल लाइन पर सभी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी ही हमें सेम ही रिजल्ट दे रही होती हैं, सेम ही मैक्सिमम वैल्यू वो दे रही होती हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मैनी पॉइंट्स विद द
विद सेम ऑप्टिमल सॉल्यूशन, या उसे हम कहेंगे जी इनफाइनाइट, क्योंकि एक जब हमें लाइन मिल जाती है तो उस पर हम इनफाइनाइट पॉइंट्स जो है कंसीडर कर सकते हैं, तो इसे हम मैनी पॉइंट्स या इनफाइनाइट पॉइंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा इस टाइप के सॉल्यूशंस। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने कर ली थी जी, अब हम इसकी एक कैनोनिकल फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, ड्यूअलिटी हम बाद में करेंगे जी, इससे पहले हम इसकी देखिए सिंपल सा, अब हम देखते हैं जी किसी भी एलपीपी की कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है जी, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एलपीपी। देखिए कैनोनिकल फॉर्म क्या कहती है, ये कहता है कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ठीक है जी, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जेड, ठीक है, वो क्या हो सकता है, वो दो केसेस में हमारे पास हो सकता है, दो कंडीशंस में। या तो उसे हमें करना होता है जी मैक्सिमाइज, यानी जेड को हमने क्या करना होगा, या तो मैक्सिमाइज करना होगा या फिर हमें उसे करना होगा मिनिमाइज। जब भी हमें किसी भी ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो तो सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स हमारे पास कुछ फिक्स टाइप में होने चाहिए। तो मैक्सिमाइज जब हमें फंक्शन को करना होता है तो उस टाइप में हमारे पास सारे के सारे जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो हमारे पास इस सिंबल के साथ होने चाहिए। ठीक है जी, यानी कि 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू समथिंग होने चाहिए। ठीक है जी, यानी कि हमारे पास ये सिंबल होना ही चाहिए सभी कंस्ट्रेंट्स में, अगर नहीं है तो हम बनाएंगे। ठीक है, अगर हमें फंक्शन को मिनिमाइज करना है देन हमारे पास सारे के सारे जो कंस्ट्रेंट्स होंगे, देन ऑल हमारे जो कंस्ट्रेंट्स होंगे वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू के सिंबल के साथ होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है किसी एक आधे कंस्ट्रेंट में ऐसा नहीं है मान लीजिए, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे जी, उसके अंदर हम उनको ऐसा बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, अगर ऐसा नहीं है तो बेसिकली हम उन कंस्ट्रेंट्स को बेसिकली इस टाइप से बनाएंगे, उनको बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आपको बताया कि जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनका जो सिंबल है वो चेंज हो जाता है, यानी इनइक्वालिटी में जैसे हम सिंबल चेंज करते हैं वैसे हम करेंगे। ठीक है जी, सो ये होगी कैनोनिकल फॉर्म। अब हम चलते हैं जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी ड्यूअलिटी। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, अब ड्यूअलिटी होती क्या है, यहाँ पर देखिए जो हमारी एलपीपी की स्टैंडर्ड फॉर्म आपने देखा, एक ऑप्टिमल फंक्शन होगा आपके पास, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, उसे हमने क्या करना होगा, उसे हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे, उसके साथ कंस्ट्रेंट्स गिवन होंगे, और जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो हमारे पास बेसिकली दो वेरिएबल्स के साथ होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे पास एलपीपी बनती है, ठीक है जी, जो भी हमारे पास एलपीपी बनती है इसके अंदर एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा जी जेड, उसी के साथ हमारे जो कंस्ट्रेंट्स होंगे, मान लीजिए हमारे पास दो से ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी तीन कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, और एक हमारे पास होंगे जी नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो ये तीन हमारे किसी भी एलपीपी के फंक्शन होते हैं, मतलब कंसिस्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है जी, सो बेसिकली क्या होगा कि जब भी अगर हम कंस्ट्रेंट्स की बात करें, यहाँ तो हम ग्राफिकल मेथड सॉल्व कर रहे हैं, तो ग्राफिकल मेथड में हमने क्या किया था, दो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स थे तो हमारे पास दो लाइंस आई थी, उसका जो हमारा रीजन था उसको हमने ड्रॉ करके और आंसर निकाला था। अगर यहाँ पर थ्री कंस्ट्रेंट्स हैं तो हमारे पास थ्री लाइंस आएंगी, अगर फोर कंस्ट्रेंट्स हैं तो हमारे पास फोर लाइंस आएंगी, यानी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हमारे पास बढ़ते जाएंगे हमारी कैलकुलेशन, हमारी जो है बेसिकली हमारी जो कंपटीशन है वो उतनी ज़्यादा जो है इंक्रीज होती जाएगी, यानी हमें उतना ही ज़्यादा जो मेथड है वो टफ होता जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम यहाँ पर तो हमने ग्राफिकल मेथड देखा, लेकिन अगर हम सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व करें तो उसमें हम जानते हैं कि एक एक इक्वेशन को लेकर के हम सॉल्व जब करते हैं तो बेसिकली जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसमें एक एक कंस्ट्रेंट को सॉल्व करना होता है, तो जितने ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स कम होंगे उतनी ही हमारी जो कैलकुलेशन है कंपटीशन है वो हमारी इजी हो जाती है। ठीक है जी, सो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारी जो एलपीपी इस फॉर्म में होती है इसे हम कहते हैं जी हमारी प्राइमल। ठीक है जी, इसे हम प्राइमल प्रॉब्लम कहते हैं, और इस प्राइमल प्रॉब्लम को हम ड्यूल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं, यानी ड्यूअलिटी में कन्वर्ट करते हैं, जहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स है वो थोड़े से कम हो जाते हैं लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है जी, वो हम खैर इसको कन्वर्ट करना देखेंगे, बट फिलहाल ये है कि वाई ड्यूअलिटी, यानी कि हम ड्यूअलिटी में कन्वर्ट करते क्यों है। ठीक है, सो इसे हम देख लेते हैं जी, स्टेटमेंट भी हमने यहाँ पर लिया है दैट समटाइम्स द ड्यूल इज ईजियर टू सॉल्व, कि कई बार क्या होता है कि ड्यूल हमारा प्राइमल से ज़्यादा ईजी हो जाता है सॉल्व करना, एंड अ प्राइमल प्रॉब्लम विद मैनी कंस्ट्रेंट्स एंड फ्यू वेरिएबल्स, यानी कि जो प्राइमल प्रॉब्लम होती है उसमें कंस्ट्रेंट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं वो कम होते हैं। नाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इंटू अ ड्यूल प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये जब ड्यूल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है तो उसके अंदर
कंस्ट्रेंट्स तो बचते हैं फ्यू एंड वेरिएबल्स हो जाते हैं मैनी, ठीक है। यानी कि अगर हम मैनी कंस्ट्रेंट्स एंड फ्यू वेरिएबल्स को कन्वर्ट कर देते हैं फ्यू कंस्ट्रेंट्स एंड मैनी वेरिएबल्स में, ठीक है जी। यानी कि वहाँ पर जाकर के वेरिएबल इंक्रीज हो जाएंगे एंड कंस्ट्रेंट्स कम हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा करने के बाद हमारी जो अदर मेथड्स है सिंप्लेक्स वगैरह, वो हमारे जो है इसको सॉल्व करने में हमारा काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है। द फेवर द कंस्ट्रेंट्स द फेवर कंप्यूटेशंस रिक्वायर्ड इन ईच इटरेशन ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड, यानी सिंप्लेक्स मेथड में जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी ईजी हो जाती है, इसलिए हम ड्यूअलिटी भी जो है बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बेसिकली कि कैसे हम इसकी ड्यूअलिटी क्रिएट करेंगे किसी भी इक्वेशन की, ठीक है जी। चलिए, सो सबसे पहले देखते हैं कि जो भी इक्वेशन हमें गिवन होती है, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है, ठीक है जी, जो आपकी जो गिवन इक्वेशन होगी, ठीक है जी, जो गिवन इक्वेशन होगी वो तो हमारी क्या होगी जी, प्राइमल, ठीक है, प्राइमल होगी। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल हमें दिया गया है दैट मैक्सिमाइज द जेड, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कुछ इस टाइप से, दैट 20x + 40y, ठीक है जी। और हमारी जो कंस्ट्रेंट्स हैं, तीन कंस्ट्रेंट्स हम ले रहे हैं जी, 4x + 3y < 20, हमें पता है मैक्सिमाइज में लेस देन वाला होना चाहिए, 6x + 3y, ठीक है जी, दिस इज ऑल्सो लेस देन 12। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक कंस्ट्रेंट ऐसा आ गया, ठीक है जी, मान लीजिए हमारे पास ऐसा आ गया दैट -4x - 4y इज़ ग्रेटर देन -15, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो आप बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करके इसके जो हमारा सिंबल है उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे जी, ताकि हम इसको किस में ला पाएं जी, सेम हमारा जो कैनोनिकल फॉर्म हम जानते हैं कि इस टाइप से होना चाहिए जब हम फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने सिर्फ ये आपको बताने के लिए यहाँ पर लिखा है जी, हमारे पास ऐसा कंस्ट्रेंट कैसा है जी, हमारे पास है 4x + 4y = 15, ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं। और बेसिकली हमें जो है गिवन क्या रहते हैं जी, हमारे जो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं वो हमारे पास क्या गिवन रहते हैं जी, सिंपल सी बात, x, y = 0, ठीक है जी। ये हमारा प्राइमल हमें गिवन है और इसे हमें कन्वर्ट करना है जी ड्यूल में। अब इसके अंदर सिंपल सा देखिए आप, अगर हम बात करें इसके अंदर डिसीजन वेरिएबल की बात करें, तो एक तो हमारा एक्स है, एक हमारा वाई है, तो हमारा जो डिसीजन वेरिएबल है वो कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स की बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स देखिए, 3 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, तो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हमारे पास कितने हैं जी, यहाँ पर 5 है, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हमारे पास कितने हैं जी, 2 है। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हमारे पास कितने हैं जी, 2 है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर हम बना के रखें, अब हम इसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं जी, ड्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ड्यूल के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम ड्यूल में जाते ही आपका जो मैक्सिमम फंक्शन होता है ना, वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है किस में, मिनिमाइज में, ठीक है। तो ये हम इसका ड्यूल क्रिएट कर रहे हैं, ड्यूल क्रिएशन में हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा मिनिमाइज ऑफ जेड, ठीक है जी। इससे हम लिखेंगे, अब इसके यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो कुछ और आएंगे, ठीक है, इन्हें हम बेसिकली इस टाइप से नहीं लिखना है जैसा हम लिख रहे हैं। अभी देखिए सिंपल सी बात, यहाँ पर आप जैसे आप रोज में जा रहे हैं, इसको एक मैट्रिक्स समझें और सिर्फ कॉलम को अगर हम उठाएं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स को हम अगर ले, तो एक्स के वेरिएबल्स को, एक्स को हमने लेना है कि टोटल हमारे पास एक्स कितने हैं, तो देखिए 4x, 6x, 4x, ये टोटल हमारे पास बनने कितने चाहिए, 20x बनने चाहिए, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर कैसे लेंगे जी, इनके सिर्फ और सिर्फ x के कोफिशियंट्स उठाएंगे, ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ x के कोफिशियंट उठाएंगे कि 4, और इसको हम करेंगे a से मल्टीप्लाई, +6b + 4c, और ये हमारा क्योंकि मिनिमाइज है तो सिंबल इसका कन्वर्ट हो जाता है, और ये हमारा 20 से ग्रेटर एंड इक्वल होगा, ठीक है जी, ऐसा हमने कर लिया। सेकेंड, अब हम करेंगे जी y के साथ, y के जो है और इधर से y का जो है, इनके कोफिशियंट्स हम लेंगे, तो इसे हम लिखेंगे जी 3a + 3b + 4c, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। यानी x के कोफिशियंट्स को एक साइड ले लिया, y के कोफिशियंट्स को एक साइड ले लिया। अब हमारे बचते हैं c वाला पोर्शन, यानी कि हमारा बेसिकली
ये बचे हैं हमारे पास, जो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं हमारे प्राइमल में, ठीक है जी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, बेसिकली जो हमने यहाँ पर जेड लगाया था, जेड में हम इन्हें मल्टीप्लाई करके लिखेंगे दैट 20 इंटू ए प्लस 12 इंटू बी प्लस 15 इंटू सी, क्योंकि हमने कुछ इस टाइप से माना है कि मान लीजिए ये पूरी की पूरी इक्वेशन को हम ए से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमारे पास आने वाला है, ठीक है। तो इसको कुछ इसी टाइप से आपने कंसिडर करना है, ठीक है जी। तो अभी ये हमारी एल पी पी में कन्वर्ट हो, एल पी पी जो है हमारी, इसके अंदर प्राइमल से हमने ड्यूल बना लिया है, ठीक है जी। अब ड्यूल के अंदर देखिए आप, अब इसके अंदर जो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स होंगे वो क्या कहेंगे जी, ए के बारे में बोलेंगे, बी के बारे में बोलेंगे और सी के बारे में, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है जी। ये हमारे ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो ही होंगे, यहाँ पर आप सिंबल नहीं चेंज करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स तो ऑलवेज सेम ही रहते हैं, मिनिमाइज में या मैक्सिमाइज दोनों में, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात, काफ़ी क्लियर आपको हो रहा होगा अब, ठीक है जी, कि ये हमारी ड्यूल है जी पूरी की पूरी, ठीक है, और ये हमारा प्राइमल है, ठीक है। अगर हम ड्यूल में देखें, ड्यूल में देखिए आप, ड्यूल में अगर हम देखें डिसीजन वेरिएबल, डिसीजन वेरिएबल ए बी सी तीन हो गए जी, तो यहाँ पर डिसीजन वेरिएबल हो गए तीन। नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हमारे पास हो गए, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स तो दोनों में सेम ही रहेंगे, कितने हो गए जी, फाइव, लेकिन यहाँ पर नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स थ्री हैं, और जो हमारे स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं वो हमारे थ्री से होकर के कितने आ गए जी, टू हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप दोनों के कंस्ट्रेंट्स को ऐड करेंगे तो वो हमारे इक्वल ही होंगे, ठीक है। सो ये चीज़ हमें क्लियर हो चुकी है, तो इसके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। दैट अगर आप डिसीजन वेरिएबल्स की बात करोगे, ठीक है, तो हमारे जो डिसीजन वेरिएबल्स होंगे दोनों के, प्राइमल के एंड ड्यूल के, अब देखिए ड्यूल में हमारे पास डिसीजन वेरिएबल है थ्री, ठीक है जी, और ड्यूल में हमारे पास, सॉरी प्राइमल में हमारे पास डिसीजन वेरिएबल है टू, तो ये टोटल दोनों का होगा इक्वल्स टू नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स कितने हैं जी, फाइव फाइव हैं दोनों के अंदर ही, तो जितने हमारे नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स होते हैं दोनों के जो डिसीजन वेरिएबल हैं वो उतने ही होंगे, ठीक है। और प्राइमल में अगर हम जो कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है जी, प्राइमल में अगर कंस्ट्रेंट्स इक्वल टू के साथ हो तो ड्यूल में वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि ड्यूल में जो वेरिएबल है वो अनरेस्ट्रिक्टेड होगा अगर यहाँ पर कैसा हो जी, इक्वल टू के सिंबल के साथ हो, ठीक है। चलिए अब इसका जो है बेसिकली एक एग्जाम्पल हम करके देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस, ठीक है जी। चलिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, द सॉल्यूशन सेट ऑफ, हमें बताना है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, ठीक है जी। अगर ऐसा होता है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट बताना है आपको, ठीक है, सिंपली। तो देखिए सिंपल सी बात, इसके अंदर अगर हम बनाते हैं इसको इक्वल टू कंसीडर करके एक बार हम इसको सॉल्व करते हैं, 2x प्लस y इक्वल्स टू 5, तो ऐसा इक्वेशन को सॉल्व करना हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि एक बार हम x को 0 रखते हैं और एक बार हम y को 0 रखते हैं, ठीक है जी। जब हमने x को 0 रखा तो y की वैल्यू हमारे पास 5y, और अगर हमने y को 0 रखा तो x की वैल्यू हमारे पास 5/2 आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम क्लियरली देखें तो इसके अंदर यहाँ पर पॉइंट आएगा हमारा 0.5, और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आएगा जी 5/2.0, ठीक है। और यहाँ से इन दोनों को अगर हम मिला देंगे, ठीक है, अब देखिए अब हमें कौन सा रीज़न लेना है इसके लिए, ठीक है जी, ऊपर वाला रीज़न लेना है या इधर वाला। तो हम देखेंगे जी यहाँ पर हमारा पॉइंट होता है 0.0, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करें, आप ओरिजिन को यहाँ पर पुट करके देखें, ठीक है, क्योंकि ये रीज़न है, अगर ओरिजिन इस रीज़न के अंदर होगा तो वो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सेटिस्फाई कैसे करेगा, यहाँ पर हम जीरो पुट कर दें, यहाँ पर जीरो पुट कर दें, तो ये कुछ हो जाएगा जी, जीरो ही आएगा। अब जीरो क्या फाइव से ग्रेटर होता है, नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि जीरो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि जो रीज़न है वो किधर होगा जी, इधर साइड होगा, ठीक है, ऑपोजिट साइड टू द ओरिजन, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है जी, अगर यहाँ पर ऐसा होता, ठीक है जी, अगर ये इस टाइप से होता, सिंबल हमारा चेंज होता, देन हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता, ठीक है, और सेटिस्फाई कर जाता, दैट मीन्स हमारा 0.0 इस रीजन में होता, तब हम इधर वाला रीजन लेते, ठीक है। सो बेसिकली अभी हमें रीजन कौन सा लेना है जी, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ, ओके, ये सारा ही क्लियर हो चुका है। सो अभी हमने सिर्फ इधर वाला लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है सिंबल कुछ किस टाइप का है जी, सिंबल हमारे पास इस टाइप का है, ठीक है। सो चलिए इक्वेशंस जो है हमने सॉल्व करना, और इसके काफ़ी मेथड्स हमने देख लिए हैं, एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है जी, एक सिंपल सा क्वेश्चन,
जिसे आपने सॉल्व करना है जी। अभी क्वेश्चन है हमारा दैट विच ऑफ द टर्म्स कुछ टर्म्स यहाँ पर बताई जाएंगी, ठीक है जी। विच ऑफ द टर्म्स इज नॉट यूज्ड इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। LPP में कौन सी टर्म यूज नहीं करते हैं हम उसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है जी। तो जैसे मान लीजिए एक तो है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है जी, और कनकेव रीजन, ठीक है जी, और कन्वेक्स रीजन। तो बताइए आप कौन सा रीजन हम नहीं लेते हैं, ठीक है जी, बताइए चार ऑप्शंस में। तो आप कहेंगे सिंपल सी चीज, हम कनकेव रीजन को कभी भी इसके अंदर सॉल्व करने के लिए नहीं लेते, ठीक है। एक इसके अंदर आ सकता है कि कौन सी चीज जो हमें बेसिकली रिक्वायर्ड नहीं होती, तो उसके लिए आप कह देंगे जी वो हमारा जो कंस्ट्रेंट होते हैं, जो बेसिकली जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, यानी ऐसे कंस्ट्रेंट्स अगर वो ना भी प्रेजेंट हो तो भी हमारा काम चल जाता है, तो उन्हें हम जो है रिडक्टेंट कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, ठीक है जी। तो वो कंस्ट्रेंट्स भी हमारे जो है सॉल्व करने के लिए यूज़ LPP को नहीं होते हैं, ठीक है। LPP में हमेशा ही कैसा रीज़न आता है जी, हमारे पास कन्वेक्स रीज़न आता है, ठीक है। तो इसके बारे में काफ़ी चीज़ें हमने कर ली हैं, और एक और वीडियो हम देख लेंगे इसके रिगार्डिंग। वैसे बेसिकली सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी हम देख लेंगे जी। किस लिए हम देखेंगे, ताकि जो हम सिंप्लेक्स मेथड है वो हम सॉल्व कर पाएँ, और भी जो मेथड्स हैं जिससे हम ड्यूल को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे कोई अदर वीडियो में, ठीक है जी। तो इसी की प्लेलिस्ट के साथ वो ऐड कर दी जाएगी, तो मिलते हैं उस वीडियो में सॉल्यूशंस के साथ कि कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। बेसिकली आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, MCQs आपको मिल जाएंगे जी। ओके, थैंक यू वेरी मच।